जी छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है पासिंग पॉइंटर टू ए फंक्शन, यानी यूज ऑफ पॉइंटर इन ए फंक्शन। फंक्शन में पॉइंटर का किस प्रकार यूज होता है। तो फंक्शन कैन बी कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये टॉपिक आपने लास्ट चैप्टर में, फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा है कि फंक्शन को हम कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस कॉल कर सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू मीन्स पासिंग द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और कॉल बाय रेफरेंस मीन्स पासिंग द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का एड्रेस पास कर सकते हैं या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास कर सकते हैं। इन द फर्स्ट मेथड में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ईच एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन इज कॉपीड इन टू द कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। यानी जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो उस फंक्शन के एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यूज है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास कर दी जाती है। और इन द सेकेंड मेथड यानी कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, द एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन इज कॉपीड इन टू द कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। यानी जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे होते हैं उस फंक्शन के जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का एड्रेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को कॉपी किया जाता है। यानी द पॉइंटर कैन बी पास टू द फंक्शन, फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें एक पॉइंटर पास किया जाता है। पॉइंटर यानी ए वेरिएबल दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ अनादर वेरिएबल। पॉइंटर एक वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। अब यहाँ पे एड्रेस किसका होगा, कोरस्पॉन्डिंग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का एड्रेस यानी कि पॉइंटर पास करेंगे, न कि वैल्यू। ना देखिए समझते हैं कि यदि हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट वेरिएबल है एन वन और एन टू, तो इनकी वैल्यू सपोज ये एड्रेस है इनका, तो या तो हम एड्रेस पास करा दें ये किसी फंक्शन को, या इनकी वैल्यू जो है वही वैल्यू पास करा दें एग्जीक्यूशन के लिए। या सैलरी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये है और इसका एड्रेस ये है, तो हम इस एड्रेस के द्वारा भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इस एड्रेस को फंक्शन के एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को असाइन कर देंगे और इस एड्रेस पर वैल्यू जो होगी उस वैल्यू को फंक्शन रिसीव करेगा और उसको एग्जीक्यूट यूज करेगा अपने फंक्शन में, जैसे भी हमने लॉजिक लगाया है। तो देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए, वैन वी पास द पॉइंटर टू ए आर्ग्यूमेंट, यदि हम किसी आर्ग्यूमेंट को पॉइंटर पास करते हैं, देन एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पास इंस्टेड ऑफ द वैल्यू। यानी एड्रेस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो आर्ग्यूमेंट में जाता है, न कि वैल्यू। वैल्यू आर्ग्यूमेंट में एक्सेस नहीं होती, केवल वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस होता है। दिस टेक्निक इज नोन एज द कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस। ये टेक्निक ही कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस कहलाती है। इस प्रोग्राम में क्या दिया है कि हमने एक फंक्शन बनाया है ग्रोस सैलरी के लिए। ग्रोस सैलरी समझते हैं आप, जिसमें इनिशियल सैलरी या बेसिक सैलरी हम इनपुट करेंगे और उसमें एक बोनस वैल्यू ऐड करके उसकी ग्रोस सैलरी निकालते हैं। तो बेसिक सैलरी जो है एक सैलरी टाइप का एक पॉइंटर बनाया है। ये पॉइंटर इंडिकेशन है, पॉइंटर डिक्लेरेशन का सिंबल है ना, एस्ट्रिक, और ये एक नॉर्मल वेरिएबल इंटीजर बी है। तो सैलरी जो होगी, सैलरी की पोजिशन पर हमने क्या किया, इसको हम कैसे रीड करेंगे, बताया है वैल्यू एट एड्रेस सैलरी। यानी इस सैलरी एड्रेस पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ सैलरी इक्वल प्लस बी। यानी सैलरी की वैल्यू में क्या कर दिया, बी की वैल्यू को ऐड कर दिया और सैलरी के एड्रेस पे ही उसको स्टोर कर दिया। इस तरीके से कि ये जो सैलरी की वैल्यू है, सपोज ये क्या थी, 2000, वो 20,000 थी, और बोनस की वैल्यू सपोज 100 है, तो 100 वैल्यू को या 1000 वैल्यू को हमने क्या कर दिया, बोनस में ऐड कर, सैलरी में ऐड कर दिया और इसी एड्रेस पे, यानी ये जो एड्रेस है 10101, इस एड्रेस पे इसको स्टोर कर दिया। यानी सैलरी की वैल्यू क्या होगी, अब 21,000 इसकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो होगी। तो जब इंटीजर फंक्शन में इसको कॉल करेंगे, इंटीजर सैलरी इक्वल टू सपोज 0, बोनस इक्वल टू 0, दोनों इनिशियल वैल्यू 0 हमने की है, एंटर द एम्प्लॉय सैलरी एंड बोनस, तो सैलरी इनपुट की है हमने एड्रेस ऑफ सैलरी से, बोनस भी इनपुट किया है एड्रेस ऑफ बोनस से, और इस फंक्शन को कॉल किया है। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ग्रोस सैलरी फंक्शन, तो एड्रेस ऑफ सैलरी यानी इस सैलरी वेरिएबल का एड्रेस पास किया है। देखो ये क्या हो रहा है, कॉल बाय एड्रेस,
ना, ये क्या हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू, यानी बोनस को तो वैल्यू दी है लेकिन सैलरी को क्या दिया है, एड्रेस दिया है, किसका, सैलरी वेरिएबल का। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा कैसे, कॉल बाय एड्रेस के द्वारा, क्योंकि इसमें एक्चुअल आर्गुमेंट यानी सैलरी का एड्रेस पास किया जा रहा है। तो जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो सैलरी में फाइनल वैल्यू आ जाएगी, जो अभी बताया एग्जाम्पल में चेंज होगा, बोनस की वैल्यू ऐड हो जाएगी और ग्रोथ सैलरी जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और रिटर्न जीरो। तो इस तरीके से जो आउटपुट आएगा, यदि ग्रोथ सैलरी हमारी करंट सैलरी 10,000 है और बोनस इसका 2,000 है, तो फाइनल सैलरी हो जाती है 12,000। तो इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रिय छात्रों, फंक्शन को पॉइंटर से कॉल करने का दूसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फंक्शन से मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, यानी वी कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू थ्रू द फंक्शन वाया ए पॉइंटर या कॉल बाई एड्रेस। हम कॉल बाई एड्रेस के द्वारा किसी फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यू जो है वन टाइम रिटर्न करा सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन द कॉल बाई वैल्यू, जो कॉल बाई वैल्यू के मेथड में पॉसिबल नहीं होता। कॉल बाई वैल्यू में केवल एक बार में एक ही रिटर्न स्टेटमेंट काम करता है, भले ही हम एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट यूज करें ना। तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ स्वैपिंग टू नंबर्स, दो नंबर को स्वैप कर रहे हैं। एवॉइड स्वैप, एक फंक्शन बनाया जिसमें इंटीजर टाइप का एक N1 पॉइंटर बनाया, एक N2 पॉइंटर बनाया इंटीजर टाइप का, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है और टेम्परेरी वेरिएबल में वैल्यू एट एड्रेस N1, N1 के एड्रेस पर जो वैल्यू है वो टेम्परेरी में असाइन कर दी, N1 के एड्रेस पर जो वैल्यू आज की वो N2 के एड्रेस की वैल्यू को रिसीव कर लिया और N2 के एड्रेस पर टेम्परेरी की वैल्यू असाइन कर दी। इस तरीके से N1 एक वेरिएबल था, N2 एक वेरिएबल था, N1 के एड्रेस की जो वैल्यू उठाई उसको टेम्परेरी में ले गए कहीं पे ना, और इसकी वैल्यू को N2 की वैल्यू को N1 में डाल दिया और फिर टेम्परेरी की वैल्यू को N2 में डाल दिया। तो इस तरीके से एड्रेस के थ्रू इनकी वैल्यू आपस में स्वैप हो गई। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, वॉइड मेन में इंटीजर टाइप का एक v1 v2 वेरिएबल बनाए, एंटर द वैल्यू ऑफ टू नंबर्स, v1 की वैल्यू इनपुट की, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ v1 एड्रेस ऑफ v2 स्वैप कर दिया। बिफोर स्वैपिंग इनको प्रिंट करके देखा है पहले, बिफोर स्वैपिंग ये वैल्यू आई हमारी v1 की ये और v2 की ये, जो भी हम इनपुट करेंगे। और आफ्टर स्वैपिंग स्वैप फंक्शन को कॉल किया कॉल बाय एड्रेस, तो को एड्रेस ऑफ v1 और एड्रेस ऑफ v2 दे दिए। ये क्या है, कॉल द फंक्शन स्वैप कॉल बाय एड्रेस, फंक्शन स्वैप को कॉल बाय एड्रेस से कॉल किया है। तो इस तरीके से कॉल बाय एड्रेस से फंक्शन, तो v1 के एड्रेस पे, v1 का एड्रेस पास हो गया कहाँ पे, n1 पे, और v2 का एड्रेस पास हो गया n2 पे। तो इन एड्रेस पे जो वैल्यू थी उन वैल्यू को आपस में ये स्वैप करेगा फंक्शन एग्जीक्यूशन के लिए, और फिर v1 और v2 की वैल्यू जो स्वैपिंग वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो आउटपुट इसका इस तरीके से आ सकता है कि बिफोर स्वैपिंग v1 की वैल्यू 11, v2 की वैल्यू 77, आफ्टर स्वैपिंग v1 की वैल्यू 77 और v2 की वैल्यू 11। तो ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम हो सकता है इसी का, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए सर्किल। तो एरिया और पैरामीटर, एक फंक्शन बनाया प्रोटोटाइप, जब हम फंक्शन को बाद में डिक्लेयर करते हैं मीन्स डिफाइन करते हैं मीन्स से, तो उससे पहले प्रोटोटाइप देना होता है। तो ये हमने पहले प्रोटोटाइप दिया एक एरिया ऑफ एरिया एंड पैरामीटर का, इंटीजर आर, फ्लोट ए और फ्लोट पैरामीटर पी। मेन फंक्शन बनाया आर इंटीजर टाइप की बनाई, एरिया और पैरामीटर फ्लोट टाइप का लिया, एंटर द रेडियस, रेडियस इनपुट किया, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ आर में, और एरिया एंड पैरामीटर फंक्शन को कॉल कर दिया, आर की वैल्यू पास कराई और एड्रेस ऑफ एरिया और एड्रेस ऑफ पैरामीटर पास कराया। तो ये भी कॉल बाय एड्रेस हुआ, दो एड्रेस पास कराए एक वैल्यू पास कराई। तो आर की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी और एरिया के एड्रेस पर वैल्यू चेंज हो जाएगी और पैरामीटर के एड्रेस पर जो वैल्यू चेंज हो जाएगी उस वैल्यू को हमने उठाया और प्रिंट कर लिया, एरिया इक्वल टू परसेंटेज डी एरिया और पैरामीटर इक्वल टू परसेंटेज एफ पैरामीटर। तो इस तरीके से एरिया और पैरामीटर दोनों वैल्यू एक साथ रिटर्न करा रहा है फंक्शन, यानी दोनों एड्रेस पे वैल्यू चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, ये फंक्शन बनाया हमने, इस प्रोग्राम में हमने आर की वैल्यू पास इनपुट कराई और फ्लोट ऑफ
एरिया ए और फ्लोट पी दो वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, यानी एक ही बार में दो वैल्यू हम रिटर्न करा सकते हैं।